किसान मोर्चा हर बूथ पर 10 प्रहरी नियुक्त करेगा और किसानों को जागरूक करने के लिए हर जगह नुक्कड़ सभाएं भी की जाएंगी। किसान मोर्चा की खुनिया के थलाकन में पौधारोपण के साथ संपन्न हुई बैठक में किसान मोर्चा के अध्यक्ष प्रकाश चंद ने सभी को जानकारी दी। इसके अलावा बैठक में आगामी रणनीति भी बनाई गई और किसानों को आ रही समस्याओं के बारे में विचार विमर्श किया गया। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त को भी किसान मोर्चा की एक विशेष बैठक नहलिया में संपन्न होगी। किसान मोर्चा अध्यक्ष प्रकाश चंद राणा की अध्यक्षता में थलाकन में पौधारोपण किया गया, जिसमें विशेष रूप से संगठनात्मक जिला किसान मोर्चा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राणा विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में किसान मोर्चा जिला देहरा संगठनात्मक महामंत्री संजय राणा, मंडल अध्यक्ष मानचंद राणा, युवा मोर्चा के अध्यक्ष अजय राणा, जिला युवा मोर्चा सचिव अश्विनी वर्तमान सुरानी, प्रधान दिलीप सिंह, पूर्व प्रधान बलाहर राजेश शर्मा, बूथ अध्यक्ष तिलक राज, महिला मोर्चा मंडल सचिव सरिता धीमान, सचिव सरोज राणा और नारी शक्ति भी मौजूद रही। सभी मंडल कार्यकर्ताओं नारी शक्ति ने पौधारोपण में अपना योगदान दिया और सबको पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया, ताकि वातावरण शुद्ध रहे और प्रकृति अपना संतुलन बनाए रखे। आज हमारे किसान मोर्चा की मंडल की ज्वालामुखी मंडल की मीटिंग थी और उसमें हमारे किसान मोर्चा के महामंत्री संजय राणा जी और मंडल ज्वाला जी के अध्यक्ष मान सिंह राणा जी और किसान मोर्चा ज्वालामुखी के मंडल अध्यक्ष प्रकाश जी सम्मिलित रहे और भी हमारे युवा मोर्चा के भी सबसे शामिल थे और महिला शक्ति भी हमारे इस मोर्चा मीटिंग में शामिल थी और पौधारोपण का भी उन्होंने प्रोग्राम किया, पौधारोपण लगाया गया और हमने 10-10 प्रहरी बनाने के लिए भी मंडल को बताया गया कि 10-10 प्रहरी हर बूथ में बनाए जाए और कुछ समय के बाद नुक्कड़ प्रोग्राम करने के लिए भी सुजेक्शन दी गई भी नुक्कड़ प्रोग्राम छोड़ने नुक्कड़ प्रोग्राम किए जाए और किसानों को प्रोत्साहित किया और उनके अलग से और इसके बाद हमने 15 अगस्त को भी नालियां में छोटी सी मीटिंग रखी हुई है।